या किसी भी बिहार के युवाओं के लिए सही नहीं। सरकार यदि हमारी बातें नहीं मानती तो हम इसको लेकर के पूरे बिहार में आंदोलन भी करेंगे। नमस्कार, मैं रोहित, आप देख रहे हैं बिहारी कलम। बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर जो बात चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, सरकार के विरोध में सड़क पर शिक्षक अभ्यर्थी लगातार विरोध कर रहे हैं, उसी बीच पप्पू यादव का बयान आया है। एक तरफ बिहारी जो दूसरे राज्य में जा कर के अपमानित होते हैं, बेइज्जत होते हैं, और आज बिहार सरकार बिहारियों को अपमानित करने का काम कर रही है। पप्पू यादव ने कहा है कि हम उस लायक नहीं हैं कि हम दूसरे राज्यों को इतने व्यापक संख्या में हम नौकरी दे सके। ज़रूरत है कि हमारे बिहारियों को 80% सीट रिजर्व किया जाए और दूसरे राज्यों के लिए 10% 20% सीट रिजर्व किया जाए। इस पर पप्पू यादव ने क्या कुछ कहे, आइए हम सुनाते हैं। बेबाकी से शिक्षक अभ्यर्थी को लेकर सपोर्ट में उन्होंने यहाँ तक भी कहा है कि अगर सरकार इस फैसले पर पुनर्विचार नहीं करेगी तो इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे, सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। इस पर उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए हम सुनाते हैं। एक विषय है कल के कैबिनेट डिसीजन। लगातार बिहार के बाहर स्टेट में आज़ाद हिंदुस्तान के बाद बिहारियों को भारत के नागरिक के रूप में कभी नहीं देखा गया। महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, मणिपुर हो, अन्य जगहों पर जहां बिहार की श्रम शक्ति के लोगों ने भारत का निर्माण किया, बिहार के ज्ञान विज्ञान अध्यात्म की बदौलत हम भारत को ऊर्जा दिए, भारत के किसानों ने भारत को आत्मनिर्भर बनाया, और फिर इस देश में हम तिनखैया घोषित हो, हमेशा गाली गलौज जूता चप्पल हम पर चलते, और दुनिया में सबसे ज्यादा गरीबी और बेरोजगारी भारत में, दुनिया में बिहार की है, और बिहार के लोगों को कहीं भी बाहर तवज्जो नौकरी में अन्य जगहों पर नहीं दी जाती। और इस मुद्दों को लेकर के मेरा डिमांड शुरू से रहा है कि बाहरी लोगों को आप 10-20% से ज़्यादा, हमारे ही भारत के मेरे ही परिवार के लोग हैं, लेकिन हम जब तक उस लायक नहीं होंगे हम दूसरे भाई की मदद कहाँ से कर पाएंगे। इसलिए हम 10-20% लोगों को आप, बाहर के लोगों को आप समायोजन करिए, उसमें मेरी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन 80% बिहारियों को आपको कंपलसरी नौकरी करना होगा। जिस तरीके से कल कैबिनेट डिसीजन शिक्षक भर्ती में हुआ, मुझको लगता है तब तो सारे बाहर के लोग आकर के यहाँ शिक्षक हो जाए, और ये मैं इस नीति के पक्ष में मैं नहीं हूँ, सरकार से पुनर्विचार की मांग करता हूँ। और ऐसे तरह के अधिकार के लिए हम स्वतंत्र हैं कि बिहार के सारे 14 करोड़ जनता के प्रति हम प्रतिबद्ध, ना कि अपनी सरकार के प्रति। सरकार यदि हमारी बातें नहीं मानती तो हम इसको लेकर के पूरे बिहार में आंदोलन भी करेंगे, और सरकार पर दबाव भी बनाएंगे। हम अविलंब सरकार से आग्रह करेंगे कि बिहार में बिहारियों की हिस्सेदारी भागीदारी अस्सी प्रतिशत कर। यह किसी भी बिहार के युवाओं के लिए सही नहीं।